हाय फ्रेंड्स, सबसे पहले ज्ञानगुरु चैनल में स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज फिर मैं आप लोग के लिए एक वीडियो लेके आया। फ्रेंड्स, वीडियो तो डेली बना सकता था, लेकिन क्या है, मेरे को इंटरेस्ट उतना नहीं आ रहा, क्योंकि पहले जब फ्रीज हो गया था, फ्रीज होने के बाद से मतलब व्यूज बहुत कम आ रहा है, और व्यूज कम आने से क्या है, मुझे भी बनाने का दिल नहीं कर रहा है। फिर भी क्या, चैनल का जो मोनेटाइजेशन होता है, तो मोनेटाइजेशन के लिए अभी हमको व्यूज का और ज़रूरत है। और इसमें क्या, आप लोग को भी पता है, अगर चैनल का मोनेटाइजेशन करने के लिए कम से कम आपको 4000 वॉच टाइम चाहिए, और फिर सब्सक्राइबर चाहिए 1000 सब्सक्राइबर, तो हो जाएगा फ्रेंड्स, बट व्यूज का बहुत काम आ रहा है उसके लिए। लेकिन फिर भी 4 मंथ से अभी मेरा चैनल का ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 8 मंथ 9 मंथ हो रहा है, अभी 3 मंथ्स तीन चार महीना है। तो फिर वही सोच रहा हूँ, ट्राई कर लूँ 2-4 वीडियो डाल के, लेकिन क्या है, मुझे डाउट है वॉच टाइम कंप्लीट नहीं होगा, नहीं होने से फिर एक चैनल और बनाया हो तो जो वीडियो का इंटरेस्ट है उस चैनल में आ जाना फ्रेंड्स, क्योंकि उसको अभी 1-2 दिन में ओपन किया हो, तो उसमें भी इस चैनल में जो वीडियो रहेगा उसमें भी रहेगा, और इसको बंद कर देंगे नहीं तो देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो फिर आज मैं आप लोग को एक जानकारी देंगे, जानकारी क्या है, जो हमारा इलेक्ट्रिकल पैनल है, इलेक्ट्रिकल पैनल में जो ब्रेकर है, कॉन्ट्रेक्टर है, वो कैसे वर्क करता है, तो उसका बारे में मुझे जितना जानकारी है आप लोग को उतना देने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं हम इलेक्ट्रिकल पैनल में। फ्रेंड्स, हवा बहुत दे रहा है, बहुत आवाज आ रहा है। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया था इलेक्ट्रिकल पैनल के बारे में, तो मैं आ गया इलेक्ट्रिकल पैनल के पास, और मैं आप लोग को बताता हूँ फ्रेंड्स, ये जो इलेक्ट्रिकल का सिग्नल है, ये सिग्नल के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, आप लोग उसमें देख सकते हो। तो आज इसके बारे में नहीं बात करेंगे, मैं क्या सोच रहा हूँ, ये जितना आपका एक एक पार्ट है, रिले है, फैन है, सबका, ये चार्जर का भी मैंने एक वीडियो बना दिया, वो भी आप लोग देख सकते हो। फिर आज ये बताते हैं, जो हमारा ये है डिजिटल मीटर, डिजिटल मीटर में आपको वोल्टेज शो करता है कितना होना चाहिए, 440 वोल्टेज में हम लोग चलाता है, लेकिन कितना वोल्टेज में मशीन चलाना चाहिए ये मैं आप लोग को बताता हूँ। मैक्सिमम 380 तक होने से हम लोग को 2 बम रनिंग कर सकता है, रूल का हिसाब से 380 का नीचे होने से मशीन नहीं चलाना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब तक ट्रिप नहीं हो रहा है तब तक मशीन चलाते हैं, तो रूल का हिसाब से 380 का नीचे आ जाता है तो मशीन नहीं चलाना चाहिए, इसमें पावर पैक का इफेक्ट पड़ता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 320-30 तक भी 2 बम चल जाता है तब तक चलाते हैं, 330 वोल्टेज भी रहेगा तब भी 2 बम चलेगा। तो फ्रेंड्स, ये तो वोल्टेज का बता दिया, अभी मैं बता रहा हूँ ये चार्जर का भी बता दिया, ये MCB स्विच मालूम है आप लोग को, ये सब मेन सप्लाई का है, तो ये सब भी MCB है, MCB के बारे में भी बताएंगे। और ये देख सकते हो, ये अर्थिंग रिले है, ये फैन है फ्रेंड्स, ये जो है दिख रहा है आप लोग को, ये फैन है जो इलेक्ट्रिकल पैनल को क्या हीट हो जाता है, तो ओवर हीट होने से ओपन उसको ठंडा करने के लिए फैन दिया गया है। ये आपका ट्रांसफार्मर हो गया, छोटा वाला ट्रांसफार्मर, इस पे 115 वोल्टेज आता है, ये हो गया बड़ा वाला ट्रांसफार्मर, बड़ा वाला है। फिर ये 4 कंडक्टर हो गया, स्टार डेल्टा, स्टार डेल्टा, तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ फ्रेंड्स,